आपको अपनी डाइट में ये सब लेना जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो जो आपके न्यूट्रिएंट्स आपको जरूरी है वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो हम डाइट लेते हैं रोज दालें हो गई या कार्बोहाइड्रेट हो गई, ये हमारे इतने अच्छी क्वालिटी वाला, इसमें जो प्रोटीन नहीं होता, जो अच्छा क्वालिटी वाला होता है जो हमारी बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, वो सब हमें अंडे मछली मीट में मिलता है, वो सब आपको खाना चाहिए। ठीक है, ये गरम ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब आप अपनी डाइट में ये चेंज लाएंगी और अब जो ये अंडे हैं और मछली है, एक दिन मतलब एक अंडे मछली और अंडे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप खा के देख, तो कार्बोहाइड्रेट हो गई, एक प्रोटीन हो गई। प्रोटीन क्या होता है, जैसे कि हमारा बेबी जो है, जो बच्चा है वो बढ़ रहा है, उसको ग्रो कर रहा है, उसके नए टिश्यू बन रहे हैं। और फल आपका एक फल डेली खाना है आपको, है ना? एक मुट्ठी जो बुढ़े हुए चने होते हैं वो आप तक खाई देगा। घर में या तो शाम का चाय पीते हो, चाय के बाद और खाना खाने से एक घंटे बाद ही चाय पीना, ठीक है? और खाना खाने से एक घंटे पहले चाय पीना, वापिस थोड़ा भी खाना खाने के बाद चाय नहीं पीना चाहिए। आपको कि गर्मी का टाइम चल रहा है, अपन सबको अब मैं आपको बताऊंगी कि जैसे कि हम रोज आराम में अपना खाना खाते हैं, तो एक जो है बहुत सारे हमारे पोषक तत्व हैं, उनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगी अभी कि कौन से हैं, आपको कैसे हैं, क्यों ज़रूरी हैं और कितने लेने हैं, ठीक है? एक हमारा जो हम प्रेग्नेंट होते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो उनकी न्यूट्रिशन नीड्स होती है, जो उनकी खाने की चीज़ों की वो है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि एक तो वो बच्चों को पोषक तत्व के लिए चाहिए, वो बच्चे के पोषण के लिए ज़रूरी है और माँ के पोषण के लिए भी ज़रूरी है। तो इस टाइम पे क्या होता है, फूड एक्स्ट्रा खाना खाना है, जो कि उसकी क्वांटिटी, जो उसकी मात्रा है वो भी ज़्यादा लेनी है, और जो उसकी गुणवत्ता है, मतलब जो उसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो हमारा बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है? मैं पूछ रही हूँ मैम, क्या क्या लेते हैं बस? अभी सुबह से आपने चाय के साथ बिस्किट ही खाया है? आप ये देखिए, सुबह आपने जो चाय के साथ बिस्किट खाया है, जरूरी नहीं है अभी आप सुबह से भूखे हैं, इतनी देर आपको भूखे नहीं रहना, ठीक है? तो आप उसके साथ चाय के साथ अगर आप कभी ले भी रहे हैं, तो आप उसके साथ पराठा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, ये सब आप अपनी डाइट में ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अगर आप ज्यादा, मतलब जैसे आपने ब्रेकफास्ट लिया, लंच में बीच में टाइम है, आपको भूख लग रही है, तो आपने चने ले लिए, कोई सैलेड ले ली, ऐसे कोई फ्रूट ले लिया, लस्सी ले ली, ये सब आपको अपनी डाइट में लेना है जरूर से।